नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर इटावा से आपको, यह बड़ी खबर इटावा से। दीपावली पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को बड़े तोहफे का ऐलान। जी हां, बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, आगामी विधानसभा चुनाव में चाचा के दल से भी होगा गठबंधन। सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से होगा गठबंधन, चाचा का पूरा सम्मान होगा। कहा, हम ज्यादा से ज्यादा चाचा का सम्मान करेंगे। बीजेपी सरकार में महंगाई से सभी परेशान है, हर चीज पर महंगाई है, किसान नौजवान सब परेशान है। किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही है बीजेपी सरकार। सपा सरकार के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लखीमपुर की घटना पर कहा कि सरकार के लोग किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं। लखीमपुर की घटना में मारे गए किसानों की याद में स्मृति दिवस मनाएगी सपा। सपा का हर कार्यकर्ता मृतक किसानों की याद में एक दीपक जलाएगा। भारत के गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंच पे नहीं देख पाए कि मंच पे कौन खड़ा है। वो लोग खड़े थे जिन पे आरोप है कि उन्होंने किसान के ऊपर टायरों से चढ़ा करके जान ले ली किसान की। और मुझे खुशी इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना, लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जला देना। भैया, क्या नेताजी के जन्मदिन पर चाचा से समझौते की संभावना है? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा समझौता जन्मदिन तो बाद में आएगा, हम तो आज ही कह दे रहे हैं कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। अरुण अग्रवाल, इको फेसबुक की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। सलमान वारसी, वसमार हुसैन की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आर एस सुधाकर की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर बिलाल अहमद की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर बुशरा बानो SDM टुंडला की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर रोहित यादव की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद पति वार्ड नंबर 48 गुलशन खान की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। इमरान मंसूरी, उपाध्यक्ष जनता ट्रस्ट फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को दीपावली बकायादोज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कफील अहमद है, ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यूपी का अपना ग्रुप का चेयरमैन। मेरी तरफ से धनतेरस, दीपावली भैया दौज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं का नाम है कि दीपावली अमन चैन से मनाई जाए, सारे लोग मिलजुल के मनाएं और का नाम है पटाखे धीमी आवाज के चलाएं, का नाम है मोमबत्ती जलाएं, दिए जलाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत जी कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से और जनपदवासियों से। मैं समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव अपने देशवासियों को, जनपदवासियों को और महाराणा विधानसभा के वासियों को धनतेरस, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय हमारे अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जय समाजवाद, जय हिंद।